आई एम श्रेयान, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप लोगों ने जो है वो मेरे पिछले वीडियोज़ देखे होंगे, लेकिन अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो गाइज प्लीज़ वॉच एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। तो या गाइज, इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, एक्चुअली एक नहीं दो अच्छी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अब मैं क्या प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ, वो कितने महंगे होने वाले हैं, कितने के आएंगे एंड ऑल दैट, सो आप लोगों को वो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पूरा का पूरा DIY नेचुरल रेमेडीज। एंड द सेकंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस वीडियो इज कि अगर आप ये सोच रहे हो मेरी तो ड्राई स्किन है, मुझे सूट होगा या नहीं, मेरी ऑयली स्किन है, मुझे चलेगा कि नहीं, तो गाइज ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ वो सारे स्किन टाइप के लिए जो है वो अच्छे हैं। ऑल्दो ये मैं कह रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जो मैंने पता किया है, अगर आप लोग को ऐसा लगता है ना कि ये मेरे स्किन पर नहीं चलेगा, तो गाइज यू कैन स्किप दैट स्टेप, इट इज नॉट एट ऑल हार्ड एंड फास्ट कि वो आप करो ही। एंड टू क्लियर इट आउट गाइज, ये जो वीडियो है ये मैं बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को ना एक क्लीन, क्लियर एंड एक ग्लोइंग स्किन मिल सके। आई एम नॉट एट ऑल इन एनी वे प्रमोटिंग एनी थिंग जिससे कि आपको ना आपका स्किन टोन जो है वो लाइट मिलेगा, यू विल गेट अ फेयरर स्किन टोन और समथिंग लाइक दैट, सो डू नॉट मिक्स अप द थिंग गाइज। तो या गाइज, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। As you can see, my skin looks really dull now. So the first step in my skincare is face wash and scrub. For this, we need gram flour, that is besan, multani mitti, turmeric, haldi, rose water, half teaspoon for measurement, and an empty bowl. Now take half teaspoon of besan, half teaspoon of multani mitti. In it, take a pinch of haldi and rose water to mix everything well. अब जब एक बार ये लिक्विड पेस्ट रेडी हो जाएगा तो इसे हमें ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई करना है। सो दिस मास्क रियली प्रूव्स टू बी वेरी गुड फॉर ट्रीटिंग एक्नेस एंड पिंपल्स। इसके अलावा बेसन जो होता है उसमें जिंक होता है जो कि हमारी टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करता है, ऑयलीनेस रिड्यूस करता है एंड हमें एक ब्लेमिश फ्री स्किन प्रोवाइड करता है। ऑल्सो मुल्तानी मिट्टी हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस ऑफ ऑयल ऑन आर फेस, साथ ही में जितनी भी डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ होती है ना फेस पर वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है एंड एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फील आता है। ऑल्सो हल्दी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन पर नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी रियली वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग हल्दी। तो हमने हल्दी का ना सिर्फ एक पिंच मिक्स किया है बिकॉज इट्स एक्सेस यूसेज कैन एक्चुअली कॉज इरिटेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। तो इसे टेस्ट करने के लिए आप अपने फोरआर्म पर इसे अप्लाई कर सकते हो एंड लीव इट फॉर सम टाइम, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वेदर हल्दी जो है वो आपके स्किन पर रिएक्ट करती है या नहीं। एंड एट द एंड रोज वाटर मेंटेन्स द स्किन्स पीएच बैलेंस एंड आल्सो गिव्स अ रिफ्रेशिंग लुक, सो ओवरऑल दिस मास्क प्रूव्स टू बी अ वेरी गुड मास्क फॉर स्किन। नाउ जस्ट लीव इट ऑन योर स्किन फॉर 5 to 10 मिनट्स। अब ये जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए हमें इसे अपने पूरे फेस पर स्लोली स्लोली सर्कुलर मोशन में मसाज करना है एंड जस्ट कीप इट डूइंग फॉर 3 to 5 मिनट्स। तो ये जो है वो एक काफ़ी अच्छा स्क्रब होता है एंड इट मेक्स दी लार्ज और विजिबल पोर्स ऑन योर स्किन लेस विजिबल एंड इससे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है स्किन पर, बहुत ही स्मूथ एंड शाइनिंग लगती है स्किन और साथ ही में ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो भी सॉल्व होती है। अब इसके बाद जस्ट वॉश योर फेस विथ नॉर्मल वाटर एंड पैट ड्राई योर फेस, सो दिस रियली गिव्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड सूदिंग इफेक्ट टू योर स्किन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आइस फेशियल थेरेपी। फॉर दिस वी नीड सम क्यूकम्बर स्लाइसेस, आइस क्यूब्स, रोज वाटर, एन एम्प्टी बोल एंड कोल्ड वाटर। नाउ फिल द वाटर इन बोल, इन इट एड ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स दैट वी हैव। And it's ready. So now I'll just dip my face in cold water. तो आप ये 10-10 seconds के interval में कर सकते हैं या फिर जितना भी आपकी skin tolerate कर सके उतने time के लिए कर सकते हैं। तो ये जो थेरेपी होती है ना गाइज, वो आपके आईज के नीचे जितनी भी पफिनेस होती है उसे रिड्यूस करती है, जो ओपन पोर्स होते हैं उसे इनविजिबल करने में हेल्प करती है एंड स्पेशली अगर आप इसे अपने मेकअप के जस्ट पहले करते हैं ना तो मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ऑल्सो ये स्किन टाइटनिंग के लिए भी एक काफ़ी अच्छी थेरेपी है एंड एक्सेसिव ऑयल जो होता है स्किन पर उसे रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ऑल्सो गाइज अगर आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है ना तो वो भी इससे रिड्यूस हो जाती है, तो ये काफ़ी एक अच्छी रिफ्रेशिंग फील देता है एंड बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है एंड स्किन जो है हमारी वो एट द सेम टाइम काफ़ी स्मूथ हो जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल थेरेपीज दैट यू कैन गो फॉर एट होम। नेक्स्ट रेमेडी इज एलोवेरा जेल एंड हनी फेस पैक। फॉर दिस आई हैव टेकन सम एलोवेरा एंड हनी।
मैंने यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा लिया है, बट इफ़ यू डोंट हैव इट तो आप कोई भी रेडीमेड एलोवेरा जेल ले सकते हैं, ये काफ़ी सारी ब्रांड्स में अवेलेबल होता है। तो अभी मैं यहाँ पर जो है वो एलोवेरा में से उसका जेल निकाल लूँगी एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स सम हनी इन इट एंड इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अपनी फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए। नाउ जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस, बट टेक केयर कि जब आप ये कर रहे हो इट डज़ नॉट गेट इन टू योर आइज एंड नोज़, क्योंकि इससे बहुत इरिटेशन एंड रेडनेस हो सकती है आपकी आँखों और नोज़ में। एंड एलोवेरा जो होता है वो काफ़ी कड़वा होता है, तो इससे अपने माउथ पर भी अप्लाई करने से बचें। एंड नाउ स्लोली जस्ट मसाज इट ऑन योर फेस फॉर 3 to 5 minutes इन सर्क्यूलर मोशन, और ये आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है आपको। सो ये दोनों जो इन्ग्रीडियंट्स हम यूज़ कर रहे हैं ना वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हनी की बात करें तो ये एक एंटीसेप्टिक होता है एंड ऑल्सो इट इज सुपर हाइड्रेटिंग। एंड सेकेंडली एलोवेरा में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं एंड काफ़ी सारी सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वेदर यू हैव एन एक्ने प्रॉन स्किन और एन एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एंड वंस यू आर डन विथ मसाजिंग फॉर 3 to 5 minutes इसे अपने फेस पर 10 to 15 minutes के लिए छोड़ दें एंड आफ्टर दैट जस्ट रिंस ऑफ योर फेस विथ वॉर्म और नॉर्मल वाटर एंड जस्ट पैट ड्राई योर फेस। तो यू कैन सी दैट इट रियली हैज़ गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स एंड आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो 4 to 5 days में पता चलने लग जाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टोनिंग। फॉर दिस आई एम यूजिंग गुलाबरी रोज वाटर हियर। सो इसे आपको डैबिंग मोशन में अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है एंड फिर ऐसे ही छोड़ देना है ताकि आपकी स्किन जो है वो इसे डीपली अब्जॉर्ब कर सके। सो रोज़ वाटर के जो है वो अपने ही बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इससे आपकी स्किन में अगर कोई इरिटेशन है तो वो रिड्यूस होती है, एक्ने प्रॉब्लम्स रिड्यूस होते हैं, पिगमेंटेशन रिड्यूस होता है एंड एक्सेस ऑफ ऑयल एंड डर्ट भी रिमूव होते हैं। ऑल्सो इट हेल्प्स टू हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज द स्किन एंड गिव्स अ वेरी रिफ्रेशिंग लुक। नाउ नेक्स्ट इज मॉइस्चराइजिंग। फॉर दिस आई एम यूजिंग नीविया क्रीम। सो मॉइस्चराइजर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच शुड नॉट बी स्किप्ड एट ऑल, क्योंकि इससे आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग होती है एंड स्पेशली इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे ना अच्छा नरिशमेंट मिलता है स्किन को एंड नाउ आई एम जस्ट टैपिंग माई फिंगर्स। इससे रिलैक्सिंग फील होता है बहुत एंड स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है आपके मॉइस्चराइजर को। सो डू दिस फॉर 2 to 3 minutes एंड जस्ट लीव इट ऑन योर फेस। So see, it really changes the whole glow on your face and it looks really good. Now for lips, I'm having Himalaya's lip balm. Although I started using this now only, but it is really very good for dry and chapped lips. काफ़ी लंबे टाइम तक ये लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है। सो ये रेमडीज जो है वो फॉलो करने से मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं, स्पेशली ब्लैक हेड्स एंड एक्ने प्रॉब्लम्स जो है वो मेरी काफ़ी सॉल्व हो गई हैं। सो आई थिंक यू गाइज शुड डेफिनेटली ट्राई दीज एट योर होम। Okay guys, so this is it for the video. I hope आप लोग ये video पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो do like the video and do let me know in the comment section below. And also guys, अगर आप लोगों को ये video useful लगा है ना तो do share it with your friends, your relatives, your family members and all. और guys, do not think कि ना एक ही दिन में आप लोगों को ये सब करके ना सारा result मिल जाएगा। It is going to take some time, at least 5 to 7 days regularly करो, उसी के बाद पता चलने लगेगा कि क्या results मिल रहे हैं। Just do it regularly and you will definitely get the results. So yeah guys, this is it and stay tuned for more such videos. Till then, bye bye, see you, take care guys, stay healthy.